बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू लाइफ स्टाइल विद किरण आज हम बनाएंगे वेजिटेबल राइस इसमें हम प्याज़ भी शामिल करेंगे टमाटर आलू शिमला मिर्च मटर और तीस मिनट में ये चावल तैयार हो जाएंगे चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ मैंने इस पैन में चार खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल किया है आप बनास्पति घी भी शामिल कर सकती हैं इसमें वन टीस्पून नमक शामिल किया है और यहाँ पर मैंने आलू जो है काट के शामिल कर दिए हैं ये मैंने चिप्स की तरह ही काटे हैं सिर्फ़ इनका साइज़ थोड़ा मोटा रखा है और यहाँ पे जो आलू मैंने शामिल किए हैं वो मैंने तीन दरमिया साइज़ के काट लिए हैं क्योंकि आलू तमाम घरों में बच्चों को और सबको बहुत पसंद होते हैं तो इसलिए मैंने आलू ज़्यादा यहाँ पर शामिल किए हैं अब यहाँ पर मटर एक कप शामिल कर रही हूँ मटर आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये कोई बॉयल्ड मटर नहीं है फ्रोज़न मटर है लेकिन किसी पैकेट वाले नहीं है जस्ट इन्हें निकाल के फ्रीज़र में रखा हुआ था तो ये बात भी आपको यहाँ पे क्लियर कर दी कि ये मटर फ्रेश हैं आप इसकी जगह फ्रेश मटर भी शामिल कर सकती हैं यहाँ पे हम सब्जियों को एक एक मिनट से पकाएंगे और उसके बाद यहाँ पर क्यूब्स में काटा हुआ एक दरमिया साइज़ का प्याज शामिल किया है यहाँ हमें प्याज का कलर चेंज नहीं करना जस्ट इसे हल्का सा सॉफ़्ट करना है और जैसे ही ये सॉफ़्ट हो जाएगा चंद सेकंड में ही ये सॉफ़्ट हो जाएगा तो वन कप शिमला मिर्च ये भी क्यूब्स में काट के रखी हुई है वो शामिल कर देंगे शिमला मिर्च को भी हम तकरीबन थर्टी सेकंड ही फ्राई करेंगे क्योंकि इसका भी हमें कलर हल्का सा चेंज करना है और इसको सॉफ्ट नहीं करना तमाम सब्जियों को हम हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे और लास्ट पे यहाँ मैंने डाली हैं गाजरें और गाजर अब अपने साइज़ अपनी मर्जी के मुताबिक भी काट सकती हैं मैंने इसको भी लंबाई में ही काटा है और इसको भी मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था ये भी फ्रोजन आइटम है लेकिन किसी पैकेट वाली नहीं है तो बस इसको भी हम चलाने के डालने के बाद सिर्फ एक मिनट के लिए चलाएंगे और टमाटर डालते ही सारी सब्जियों को मिक्स करेंगे और पैन से निकाल लेंगे अब मैं इसी पैन में दो खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लूँगी और आप अपने पैन के मुताबिक ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकती हैं और अब इसके बाद मैं साबुत मसाले इसमें शामिल करूँगी तेज़पात दारचीनी बड़ी इलायची लौंग और ज़ीरे का एक खाने का चम्मच शामिल करूँगी तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जैसे ही ज़ीरा खिलने लगेगा इसके अंदर पानी शामिल कर दूंगी। पानी यहाँ मैं एक लीटर शामिल करूंगी क्योंकि जो चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे वो आधा किलो हैं और सेला चावल हैं आप अपने चावल की क्वालिटी को जानती हैं कि उसमें कितना पानी ऐड करना है आप अपने चावलों की क्वांटिटी के मुताबिक पानी शामिल करेंगी अब इसके अंदर मैं ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी और साथ ही सूखा धनिया शामिल करूँगी और ये दोनों मैंने एक चाय की चम्मच लिया है आप चाहें तो साबुत धनिया भी शामिल कर सकती हैं पानी जब जोश आने लगे तो आधा किलो चावल जो भिगो के रखे हुए थे और तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिए थे वो शामिल कर दिए हैं जब हमने चावल भिगो के रखे हुए हैं तो चम्मच कम चलाना चाहिए और पानी जब कम रह जाए तो फिर मैं तेज़पात यहाँ से रिमूव कर दूँगी और अब काली मिर्चें एक चाय का चम्मच वो शामिल करूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करूँगी हल्का सा चम्मच चलाऊँगी ताकि जो हमने गरम मसाला और काली मिर्चें शामिल की हैं वो हर तरफ़ मिक्स हो जाए अब पानी इतना कम है कि इसे अब हम दम पे पकाएंगे तो दम पे पकाने से पहले जो सब्जियां हमने फ्राई करके रखी हुई थी उनको शामिल कर देंगे और ऊपर से ढांप देंगे 20 मिनट का हम दम लगाएंगे और इसको मैं कवर कर दूंगी ऊपर किसी भी कपड़े के साथ सब्जियों को हमने बहुत कम पकाया था ये दम पे ही तैयार हुई है बहुत ही लजीज़ चावल तैयार हुए हैं मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज